बजट आया, उम्मीदें लाया, लोगों को लगा कि शायद अब कुछ राहत महंगाई से मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बजट के एक दिन बाद ही जीवन की सबसे जरूरी चीज यानी दूध के दाम बढ़ गए। अमूल के एक लीटर पैकेट पर दो दिन पहले 3 रुपए बढ़े थे, लेकिन रुक जाइए, बात अमूल पर ही खत्म नहीं होती। पहले अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की, तो वहीं अब हरियाणा और पंजाब के पॉपुलर ब्रांड वेरका ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। वेरका की तरफ से भी 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वेरका ने अपने दूध के दामों में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए फुल क्रीम दूध को 60 लीटर कर दिया है, टोन मिल्क का दाम 51 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, वहीं स्टैंडर्ड दूध का दाम 57 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। आज सुबह से वेरका दूध की ये बड़ी कीमतें लागू भी हो गई हैं। इसके अलावा बता दूं, वेरका से पहले अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। अमूल गोल्ड दूध के 1 लीटर दूध पर 3 रुपए बढ़ाए थे। पहले जो अमूल गोल्ड दूध 63 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वो बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गया था। वहीं भैंस के दूध की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था, उसे 65 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था। इसके अलावा अमूल दही और अन्य उप उत्पादों के दामों में भी बढ़ोतरी की गई थी। अमूल ने अपनी बढ़ी हुई नई कीमतें 3 फरवरी से लागू कर दी थी। इसके अलावा मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए थे। वेरका और अमूल की तरह मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी करते हुए 2 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ाए थे। ये बढ़ोतरी भैंस के दूध में की गई थी, लेकिन गाय के दूध के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। साथ ही टोन वाले दूध की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था।